हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज है 17 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 17 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर इलिस फाकफाक फाक ने इस्तीफा दे दिया है तो देखिए इलिस फाकफाक ये प्राइम मिनिस्टर थे ट्यूनीशिया के जिन्होंने कि अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं ट्यूनीशिया की लोकेशन ये है ट्यूनीशिया और ये किस महाद्वीप में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में ट्यूनिशिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार अब देखिए ये तो है अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करें जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है तो देखिए मैंने आप लोग बताया भी है कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा मकर रेखा और ये बीच से इक्वेटर ये तीनों ही गुजरती हैं और अफ्रीका महाद्वीप में ही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं ये कुल चार देश है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं ये चार देश है कौन कौन से सोमालिया इथियोपिया ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये है जिबूती और इसके बगल में ये है इरिट्रिया यही चार कंट्रीज कहलाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका अब आप यहाँ पर देखेंगे यदि ये, ये तो है अफ्रीका महाद्वीप और ऊपर में है यूरोप महाद्वीप तो अफ्रीका और यूरोप ये दोनों ही महाद्वीप एक जल संधि से अलग होते हैं और इस जल संधि का नाम क्या है जिब्राल्टर जल तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है मोरक्को और यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्पेन और इन्हें दोनों देशों के बीच में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि जो कि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है अब पिछले कुछ दिनों से हम जल धाराओं को भी कवर कर रहे हैं तो यदि आप अफ्रीका महाद्वीप में ही यहाँ पास यदि यह देखेंगे तो यहाँ पास बहती है बेंगुला जलधारा जो कि ऐसे बहती है तो क्वेश्चन ये है कि बेंगुला जलधारा ये ठंडी है या गर्म है, तो मैंने आप लोगों को इसके ट्रिक बताई थी जैसे कि यह है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव तो ऐसी जलधाराएं जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहे ऐसी जलधाराएं होती है ठंडी तो बेंगुला जलधारा ये कहलाएगी ठंडी जलधारा जबकि वे जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहे कुछ ऐसे तो ऐसी जलधाराएं कहलाती है गर्म जलधाराएं तो बेंगुला जलधारा ये एक ठंडी जलधारा जो कि पश्चिमी अफ्रीका में बहती है तो ये भी आप याद रख सकते हैं अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात की ही जा रही है तो यदि आप अदर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो देखिए हाल ही में सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं इनका नाम क्या है ली सून लूंग हाल ही में आयरलैंड के भी नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं इनका नाम है माइकल मार्टिन जबकि पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा तो ये भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड अम्बेसडर कौन बनाए गए हैं तो देखिए ये भी हाल ही में बनाए गए हैं ब्रेटली ब्रेटली जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज हैं और ये स्पोर्ट्स अड्डा ये क्या है तो देखिए ये एक इंडियन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड कराता है और इसी के नए ब्रांड अम्बेसडर बने हैं ब्रेटली ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है न्यूजीलैंड और यहाँ पर आपको जो ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं ओसीनीशिया ऑस्ट्रेलिया की लिए हम बात करें तो कैपिटल क्या है कैनबरा करेंसी है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है इसके नीचे में स्थित है तस्मानिया जैसा कि भारत के नीचे में स्थित है श्रीलंका वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है तस्मानिया और इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट तो ये भी आप याद रख सकते हैं अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की ही जा रही है तो देखिए हाल ही में जो क्रिकेटर रोहित शर्मा है ये बनाए गए हैं ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर ला लीगा जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है जो ऋषभ पंत है इन्हें कुछ समय पहले ही जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि जिंदल साउथ वेस्ट स्टील इसके ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत जबकि जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली देखिए यहाँ पर मैंने ऋषभ पंत की बात की है तो ऋषभ पंत और क्रिकेटर विराट कोहली ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर हैं हिमालय फेस वॉश के तो ये भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अशोक लवा जो अशोक लवासा हैं ये स्थान लेंगे दिवाकर गुप्ता का दिवाकर गुप्ता इनका कार्यकाल अभी हाल ही में यानी कि इक्कीस अगस्त को समाप्त हो जाएगा जिसके बाद से इनका पदभार संभालेंगे अशोक लबासा जो कि 9080 बैच के हरियाणा कैडर के आई ऑफिसर हैं देखिए सबसे पहले हम जानेंगे ए के बारे में यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी उन्नीस 19 दिसंबर उन्नीस सौ छाछठ में हेडक्वाटर कहाँ स्थित है मनीला फिलीपींस में और अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं इनका नाम क्या है तो ये है माथ्सू हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं वेद प्रकाश दुदेजा और ये है कौन तो देखिए ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष है और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से अब देखिए यहाँ पर अवार्ड की बात की ही जा रही है तो यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है तो कल मैंने आप लोगों को बताया था अशोक कुमार के बारे में जिन्हें की अभी हाल ही में मोहन बागान के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जबकि जो गुरबख सिंह है और पलास नंदी है इन दोनों को ही मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा यानी कि मोहन बागान जेम्स अवार्ड से और कब सम्मानित किया जाएगा उनतीस जुलाई को क्योंकि उनतीस जुलाई को जो मोहन बागान है जो कि कोलकाता का एक फुटबॉल क्लब है ये उनतीस जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसी मौके पर ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे नेक्स्ट है हाल ही में चाइना ने किस दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है यानी कि प्रक्षेपण किया है तो यह अभी हाल ही में किया गया है ए पी स्टार सिक्स डी का तो देखिए जो ए पी स्टार सिक्स डी है इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है और ए पी स्टार सिक्स डी ये चाइना के द्वारा 2020 में लॉन्च किया जाने वाला अट्ठारहवा रॉकेट है तो यहाँ से आप लोगों को ये याद रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है चाइना ने और इस सेटेलाइट का नाम क्या है तो ए पी स्टार सिक्स डी एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि ये किस तरह का सेटेलाइट है तो ये है दूरसंचार उपग्रह यानी कि टेलीकॉम सेटेलाइट अब देखिए ऑप्शन में आपको जितने भी सैटेलाइट्स के नाम दिख रहे हैं ये सभी चाइना से ही रिलेटेड है जो कि चर्चे में रहे हैं इसलिए मैंने ऑप्शन में भी सेट किया है यदि मैं बात करूँ कुजह इलेवन की यानी कि के जेड इलेवन की तो देखिए अभी हाल ही में चाइना ने कुहू एवन का फर्स्ट ट्रायल किया था जो कि फ़ेल हो गया था चांग ई फोर तो ये चाइना का चंद्र मिशन है जबकि कुछ समय पहले ही चाइना के ही द्वारा लॉन्ग मार्च फाइव बी करियर रॉकेट लॉन्च किया गया है तो ये सभी आप याद रख सकते हैं आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन ये स्थित है एशिया महाद्वीप में कैपिटल है बीजिंग और इसी बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का करेंसी है रेन मिनवी और प्रेसिडेंट कौन है तो ये है सी जिम्पिंग और अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चाइना के कुल 59 नाइन ऐप्स पर बैन लगाया गया है भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड और यह आयोजित की गई थी दिसंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है तो इसमें पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश और मैंने आप लोगों को इस योजना के बारे में बताया भी था इसकी फुल फॉर्म बनती है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना और देखिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो स्वनिधि योजना है जो व्यक्ति रोड के किनारे अपनी शॉप लगाते हैं स्पेशली ये स्कीम उन्हीं के लिए है यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा यही वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्कीम इन्हीं के लिए लाई है इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तो इसके लिए इन्हें दस हज़ार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस पर जो ब्याज आएगा इसका सात प्रतिशत उठाएगी केंद्र सरकार और बाकी का हिस्सा ये उठाएगी राज्य सरकार और इसी योजना को लागू करने के मामले में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो ये बॉर्डर शेयर करता है यूपी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल और इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफे ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुख्यमंत्री चौथी बार बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है अजय कुमार मित्तल लोकसभा सीटें आती हैं उनतीस जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल ग्यारह और देखिए दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है और किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई है तो ये भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं सचिन अवस्थी तो देखिए हाल ही में ग्लोबल ह्यूमेनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए जो वेबिनार का आयोजन किया गया था इस वेबिनार में टॉप पब्लिसिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को जो सचिन अवस्थी हैं ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक पाँच दिन की लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था और इसी के लिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमेनिटेरियन अवार्ड में टॉप पब्लिसिटी अवार्ड से नवाजा गया है अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोग बताया था के शिवान के बारे में के शिवान जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में इन्हें वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा यदि हम बात करें के पलानी स्वामी की जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं तो इन्हें अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है जबकि फ्रिया ठकराल इनके बारे में मैंने आप लोग बताया था ये है दिल्ली की एक स्टूडेंट जिन्हें की अभी हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर कौन बने हैं तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं डॉक्टर विधु पी नायर जो डॉक्टर विधु पी नायर है ये टू बैच के आई ऑफिसर हैं और इनकी नियुक्ति अब तुर्कमेनिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में की गई है आप मैप में देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन ये है तुर्कमेनिस्तान इसकी कैपिटल क्या है तो ये है अजगाबाद और करेंसी क्या है मनत यदि आप यहाँ पास देखेंगे तुर्कमेनिस्तान के पास तो ये है कैस्पियन सी यानी कि कैस्पियन सागर अब यहाँ पर अम्बेसडर की बात की ही जा रही है तो कल मैंने आप लोगों को बताया था जो विक्रम दुरई स्वामी हैं इन्हें भी हाल ही में बांग्लादेश में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है जबकि रुद्रेंद्र टंडन ये बनाए गए हैं अफगानिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर जबकि जो मोनिका मेहता है इनकी नियुक्ति स्विट्जरलैंड में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में की गई है नेक्स्ट है हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है तो ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है स्टीफन किंग के द्वारा और स्टीफन किंग जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं 2003 में इन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और 2014 में इन्हें नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है इफ इट ब्लीड्स जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई है हम बुक्स और ऑथर की बात कर ही रहे हैं तो देखिए मैंने आप लोग बताया था रस्किन बॉन्ड के बारे में इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च की जाएगी 20 जुलाई 2020 को जो सी ए वी पट्टा भी है इनके द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन जो कि लॉन्च की जा चुकी है और इसे लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने जो अमित त्रिपाठी हैं इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में किताब लिखी गई है किताब का नाम है लेजेंड ऑफ सुहेल देव तो ये सभी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाल ही में सी ए पी एफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किसने किया है तो ये भी हाल ही में किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सी ए पी एफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तो देखिए इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सी ए पी एफ के जवानों के द्वारा पौधे लगाए गए हैं और सी ए पी एफ के द्वारा इस महीने के लास्ट तक यानी कि जुलाई के लास्ट तक वन पॉइंट थ्री फाइव करोड़ से अधिक पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है और इसी की शुरुआत की है अमित शाह जी ने यदि हम बात करें अमित शाह जी की जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं इनकी कॉन्स्टिट्युएसी क्या है गुजरात का गांधीनगर और इसी गांधीनगर से कुछ समय पहले ही इन्होंने भारत की पहली बैटरी चालीस सिटी बस सेवा का शुभारम्भ किया था अमित शाह जी ने और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी इनके कार्यकाल का जब दो साल पूरा हुआ था तब इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग और इस किताब को लॉन्च किया गया था अमित शाह जी के ही द्वारा तो ये भी आप याद रख सकते हैं कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में कौन से चेचक और खसरे से मुक्त होने वाले दो देश हैं तो इसका राइट आंसर था मॉलदीप और श्रीलंका अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है बीसीसीआई के नए सीईओ कौन बने हैं तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच